काउंट करना है. 1, 2, 3. 4 + 3 इज इक्वल टू 7. ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं और आपको देती हूँ. लाइक इस तरह से 5 - 4, 5 + 4 हाउ मच. अगेन हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जीरो से स्टार्ट करना है. कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से. फर्स्ट नंबर कौन सा था? 5. हमें यहां से 5 पे लेके जाना है. 5 से ड्रॉ कर दिया. अब यहां पे सेकंड नंबर कौन सा है? 4. हमें 4 काउंट करना है. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो हमारी नंबर लाइन कहां खत्म हो रही है? 9 पे. इट मींस आंसर क्या हो गया? 9. 5 + 4 इज इक्वल टू 9. कैसे हमने किया एक बार फिर देखिए. पहले 5 है, हम लाल लाइन को 5 के पास लेके गए. 0 से हमने स्टार्ट किया है, फिर हम 5 के पास लेके जाएंगे. नेक्स्ट नंबर है 4. फिर हम 4 टाइम्स काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4. जहां हमारी नंबर लाइन फिनिश होगी, एंड होगी, वही हमारा आंसर होगा. तो इस तरह से तो हम एडिशन करेंगे. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आइए करते हैं. सब्ट्रैक्शन में सेम इसी तरह से हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. और नंबर लाइन हमेशा जो आपकी स्टार्ट होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होगी. अब यहाँ पे देखिए 4 - 2. अब हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रॉ कर लिया हमने. अब फर्स्ट नंबर क्या है? 4. तो हमें 0 से डायरेक्ट लेके जाना है 4 पर. आगे हम 4 पे. अब क्योंकि ये माइनस है, एडिशन में हम आगे आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन में हम बैक आएंगे, पीछे आएंगे. 4 में से हमें 2 माइनस करना है, तो हम काउंट करेंगे. 1, 2, 1, 2. तो जहां पे हमारी लाइन फिनिश हुई वही हमारा आंसर होगा. कैसे? फिर से अगेन देखिए. 4 था, हम 4 पे नंबर लाइन को लेके गए. फिर 2 आया, तो 2 हम इसमें से माइनस करेंगे. 1, 2. तो जहां पे हमारी लाइन फिनिश हुई वो हमारा आंसर है. एक एग्जांपल और देखिए. यानी हम एडिशन में क्या करते हैं, हम आगे आगे प्लस करते जाते हैं, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन में हमें बैक आना है, अपोजिट में आना है. सपोज 3 - 1. फिर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये 3 पर लेके जाएंगे और कितना माइनस करना है? 1 आपको बैक आना है. 1. तो आंसर क्या हुआ हमारा? 2. आंसर क्या है? 2. तो इस तरह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आपको इस तरह से सॉल्व करना है. आप लोगों के एग्जामिनेशन पेपर को मैंने देखा था, किसी बच्चे का भी ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अगेन ये वीडियो बनाई है ताकि आप दोबारा से नंबर लाइन को समझ सके और प्रैक्टिस कर सके. तो जो आपके ऊपर चैप्टर नंबर 3 है एडिशन, उसमें नंबर लाइन दिया हुआ है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है नोटबुक के अंदर. ओके स्टूडेंट, तो डू देयर वर्क एंड कंप्लीट.